बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड एन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाकाई खबरों के, रुक करते चलें कुहाड़ का, जहाँ पर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के लिए कामयाबी के हवाले से काम शुरू जा रहे हैं। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद शुएब और कौमी असम्बली के उम्मीदवार गौहर सैफुल्ला खान की कामयाबी के लिए काबिशें जा रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील गंगढ़ के मजलिस अमूमी अरकान ने फैज जमीयत का फैसला सरांखों पर तस्लीम किया, भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार किया। मुखालिफिन को शिकस्त से दोचार करने के लिए तमाम अरकान ने तहसील अमीर मौलाना मोहम्मद रफी की क्यादत में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए भरपूर तैयारियों के साथ चलने का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार पी के 90 से हाजी मोहम्मद शुएब और उम्मीदवार एन ए 35 से गौहर सैफुल्ला खान को तहसील गंगढ़ से भारी अक्सर से कामयाब कराने के लिए घर घर भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के अज़्म का इजहार कर दिया गया है। अब आपको बताएं तो साबिक वफाकी सेनेटर अब्बास खान आफरीदी की इफ्तिताही तकरीब शमूलियती तकरीब में तब्दील हो गई। इलाका बंगिश कच्चा पक्का बाजार एवान अली मार्केट में मीठा खान सुपर लीग सीजन 2 टूर्नामेंट इफ्तिताही तकरीब में साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर अब्बास आफरीदी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इस मौके पर कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार सेनेटर अब्बास खान आफरीदी ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम और नौजवानों का हौसला बढ़ाया, मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी कराई। जबकि कसीर तादाद में इलाका के मशान और नौजवानों ने आइंदा इंतखाबात में सेनेटर अब्बास खान आफरीदी की मुकम्मल हिमायत और शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया। अब्बास आफरीदी का कहना था की अगर मौका मिला तो इलाका बंगिश की आवाम का भरपूर तावन रहा तो इलाका बंगिश के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दूंगा। यहाँ सबसे पहला मसला सुई गैस, पीने का साफ पानी, सेहत के लिए हॉस्पिटल, शोबा तालीम अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बहुत से मसाइल हैं जिन पर किसी ने को भी तवज्जो ही नहीं दी, वो भी हल करूंगा। अब खबर आपको देते चले लोरालाई से, जहाँ पर हाजी जहांगीर खान ने भी अपना एक वजाहती बयान जारी कर दिया। मुमताज कुवाली रहनुमा ट्रांसपोर्टर अखवांदा हाजी जहांगीर खान मूसा खेल ने अपने एक वजाहती बयान में खबर की सख्ती से तरदीद कर दी कि मैं मुस्लिम लीग में शामिल हूं और ना कभी शामिल होऊंगा। मैंने सिर्फ हाजी तूर का मौजूदा इलेक्शन में हिमायत का ऐलान किया है क्योंकि मौसूफ मेरे घर आए, चूँकि पश्तून रवायात में किसी का घर आना मुआवजत करने पर उसे मायूस या इज्जत नहीं करता, बल्कि इस वजाहत के बाद हर एक को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हिमायत और शमूलियत में क्या फ़र्क है। बाज़ लोग अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मैं बार बार तरदीद कर चुका हूँ। दरा गाजी खान का रुख करते चलें, जहाँ पर मुतवक्का वक्त इमलाक बोर्ड और FIA की जानिब से नाजायज़ कब्जा मापे के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। FIA डेरा गाजी खान सर्कल और मुतवक्का वक्फ इमलाक ने नाजायज कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए गुज़िश्ता रोज मुश्तरक तौर पर ऑपरेशन करते हुए मुतवक्का वक्फ इमलाक पाकिस्तान की मलकियती जायदाद खसरा नंबर 314 वाकई ब्लॉक नंबर 17 जिस पर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जनाना चौहट्टा नंबर 3 नाजायज काबिज था सील किया। वाजह रहे मुतनाज़ स्कूल गैर कानूनी तौर पर महकमे मुतवक्का वक्फ इमलाक की मजकूरा कीमती जायदाद पर फेडरल ऑडिट टीम ने पैरा नंबर 241 बना रखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म नाजायज काबिज मुतनाज़ स्कूल को गुज़िश्ता 29 सितंबर 2022 को खाली करवाकर सील बमोहर कर दिया गया था, जिसको स्कूल अमला ने गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए न सिर्फ सील तोड़ डाली बल्कि फिर से कब्जा जमा लिया। इस पर महकमे मुतवक्का वक्फ इमलाक ने कार्रवाई के लिए भी सरकारी महकमों को इकदाम उठाने के लिए लेटर्स जारी किए। एक बार फिर से आलांदिया के हुक्म पर सील बमोहर करते हुए हुक्मनामा जस्पा करने के साथ बाकायदा तौर पर किसी भी गैर कानूनी इकदाम से रोकने के लिए स्कूल इंतजामिया को बाज़ ममनू रखने के लिए बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। खबर शामिल करते चलें कुहाड़ तपी से, जहाँ पर अब्बास खान आफरीदी फिर छा गए। इंतखाबी मुहिम 2024 के हवाले से आज का हुजरा सुहेल बंगिश तपी में सुहेल खान बंगिश के सरबराही में कौमी और सूबाई असम्बली उम्मीदवार सेनेटर अब्बास खान आफरीदी के लिए एक बहुत बड़े शमूलियती तकरीब का इनेकाद। इलाका तपी पास में इलाज के दर्जनों नौजवानों और मशरान ने अब्बास खान आफरीदी और को आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिमायत की थपकी दे दी। अब्बास खान आफरीदी की मुकम्मल हिमायत और शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया। अब्बास खान आफरीदी का कहना था की मौका मिला तो जिला कुहाड़ अवाम का भरपूर साथ देंगे, कुहाड़ के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो दूंगा, जिसमें सबसे पहला मसला सुई गैस, पीने का साफ पानी, सेहत के लिए हॉस्पिटल, शोबा तालीम अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तो करते चले बुलेटिन में अपना नारोवाल का, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब नारोवाल की बॉडी तहलील करती गई। निगरान कमेटी के जरिए साया इलेक्शन 2024 का इनेकाद। इलेक्शन की अहम जिम्मेदारी के फरायज आबिद विरक और दीगर ने सर अंजाम दिए। तमाम मेम्बरान ने साबिक सर्ज इंजीनियर शाहिद नदीम भट की सहाफती खदमात, आला कारकर्दगी और आवामी मसायल को एहसन अंदाज में हल करवाने की बुनियाद पर आइंदा 2024 का मुकाबला सदर राना जहूर हसन जनरल सेक्रेटरी अकरम मुगल सीनियर नायब सदर राना फरीद नायब सदर मुंतखब कर लिए गए। सदर इंजीनियर नदीम अहमद भट्ट ने कहा
स्पोर्ट्स टीम का हर फर्ज मुझे अजीज है। इनकी मुखलिस मेहनत, मस्बत सहाफत और कारकर्दगी पर भी फख्र है। इलेक्शन के मौके पर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अमजद सुलहरी ने दफ्तरी जरूरियात के लिए 50,000 रुपए का चेक भी डोनेट किया और ऑफिस में रिफ्रेशमेंट इंतजाम का भी बेहतरीन इंतजाम हुआ। अब आपको बताते चलें कि DSP एंड कॉलेज दीपालपुर में क्लास 4 के मुलाजमीन की हौसला अफजाई करने के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वजीर अहमद आगा ने, डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जशान हनीफ की हदायत की रोशनी में 300 से ज्यादा क्लास 4 मुलाजमीन को सनद इम्तियाज से नवाजा। मेहमान खास असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर ने हमरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उकाड़ा क्लास 4 मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर जशान हनीफ की हिदायत पर मुलाजमीन के लिए उम्र के शिखर का भी ऐलान किया गया। DEO एलिमेंट्री अरशद जट, डिप्टी DEO सेकेंडरी एजुकेशन उकाड़ा राना आबिद हुसैन, डिप्टी DEO तहसील दीपालपुर रब नवाज साकिब और डिप्टी DEO तहसील दीपालपुर सोफिया भी मौजूद थी। अब आपको बुलेटिन में खबर देते चलें जी शकरगढ़ से, जहां पर भारतीय TV की एंकर और पंजाबी शायरा गुलुकारा अपने 50 रुकनी वक्त के हमराह करतारपुर पहुंच गई। भारतीय पंजाब से मारूफ अदाकारा शायरा गुलुकारा और पंजाब आर्ट्स काउंसिल की साबिक चेयरपर्सन सतिंदर सिद्धी 50 रुकनी वक्त के हमराह दरबार करतारपुर पहुंची। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, माथा टेका और लंगर हार में भी चपातियाँ भी बनाई। इन्होंने कहा कि पहली बार पाकिस्तान आई हूँ, यहाँ पर हर फनकार पीर फकीर और बाक्सी को मेरा सलाम हो। पाकिस्तानी कारों को सुनकर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और यात्री स्पोर्ट पर स्टैंप से डरते हैं, कोई स्टैंप नहीं लगती। सिंदर सिद्धी ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। हुकूमत पाकिस्तान और दरबार इंतजामिया की मेजबानी और बेहतरीन इंतजाम पर शुक्र गुजार हूँ। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही, मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।